डेल्टा प्लस वेरिएंट महाराष्ट्र से रिपोर्ट किया गया। विशेषज्ञों ने इस उत्परिवर्तन के कारण तीसरी लहर की चेतावनी दी। डेल्टा प्लस वेरिएंट के 7 में से 5 मामले रत्नागिरी से सामने आए, जहां राज्य के औसत 5.8% की तुलना में सकारात्मकता दर 13.7% है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, नवी मुंबई और पालघर से एकत्र किए गए नमूनों में डेल्टा प्लस प्रकार के कम से कम 7 मामले पाए गए हैं, जबकि अधिक नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि विविधता प्रमुख है या बिखरी हुई है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नया संस्करण डेल्टा B.1.617.2 संस्करण में उत्परिवर्तन द्वारा बनाया गया है और यह वर्तमान में रुचि का संस्करण है और इसे चिंता के प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। अभी तक हिंदुस्तान टाइम्स की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट COVID-19 की तीसरी लहर का कारण हो सकता है और 8 लाख तक सक्रिय केस लॉयड ले सकता है और उनमें से 10% बच्चे हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वायरस के स्पाइक प्रोटीन में उत्परिवर्तन मानव मेजबान कोशिकाओं में प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है, जबकि नए स्ट्रेन में बेहतर इम्यून एस्केपिंग मैकेनिज्म है। इसकी संप्रेषणीयता, विषाणु और क्या म्यूटेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल उपचार के लिए प्रतिरोधी है, इस पर शोध किया जा रहा है। हमें नवी मुंबई, पालघर और रत्नागिरी में डेल्टा प्लस मिला। उसके बाद हमने और नमूने भेजे, लेकिन अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय DMER के निदेशक डॉक्टर TP लहाने ने कथित तौर पर कहा, यह ध्यान रखना उचित है कि जब राज्य में मामले गिर रहे हैं, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा और सांगली सहित पश्चिमी महाराष्ट्र के जिलों में लगातार उच्च संख्या में COVID-19 मामले और सकारात्मकता दर दर्ज की गई है।